आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, क्या आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर आप यहां पे आपको देखने को मिलता है स्क्रीन जूम सेटिंग, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो कैसे आप यूज कर सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आपको यह वीडियो थोड़ा ध्यान से और पूरा आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार हम अपने मोबाइल फोन के डिस्प्ले सेटिंग में जूम स्क्रीन सेटिंग कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से आपको बैक आना है और आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर अपना सेटिंग ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग ओपन करेंगे यहां पे आपको नीचे आना है और यहां पे देखने को मिलेगा डिस्प्ले सेटिंग, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां से आपको नीचे आना है और यहां पे आपको वही सेटिंग देखने को मिल जाती है स्क्रीन जूम सेटिंग। अब आपको इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद यहां से अपने स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं। यहां पे आपको देखने को मिलेगा योर कैन देखने को मिलेगा, यू कैन मेक द आइटम ऑन योर स्क्रीन सिमिलर एंड लॉन्गर, यानी कि अपने स्क्रीन को आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पे कहीं पर भी अपना चैटिंग करते हैं और वहाँ पे आपके स्क्रीन का जो यहाँ पे आपको जूम आउट देखने को मिलता है बहुत ही छोटा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपके सारे टेक्स्ट आपको छोटे देखने को मिलते हैं, तो उन्हें आप यहाँ पे बड़े कर सकते हैं, यानी कि अपने स्क्रीन को आप जूम इन और जूम आउट, यानी कि आप जूम माने इन माने अंदर यानी कि छोटा और आउट माने बड़ा यानी कि बाहर। तो आप अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन का जूम कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे प्लस की तरफ तो आपका यहां पे प्लस हो जाएगा और आपका जो स्क्रीन का होगा वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर यहां से आप छोटा करेंगे आपको यहां पे नीचे की तरफ आ जाना है और जो आपका स्क्रीन होगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पर भी आप चैट करेंगे तो आपका जो स्क्रीन होगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं और इस सेटिंग से आपके मोबाइल फोन के अंदर आपके स्क्रीन में परिवर्तन पड़ता है, आपका स्क्रीन जूम इन होता है और जूम आउट होता है। तो ऐसे आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं और इस सेटिंग से आपके डिस्प्ले में यही परिवर्तन पड़ेगा। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पता चल गया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।